अस्सलाम वालेकुम क्लास थ्री, कैसे हैं आप सर? प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर की रीडिंग की थी, दांत कहाँ गया, कार्नल टिश्यू का चैप्टर, दांत कहाँ गया। इसकी स्टोरी याद हो कि आपको इतनी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, एक दिन पहले ही हमने इसकी रीडिंग की थी। फाइजा का दांत टूट गया था और उसका भाई क्या उसका नाम था उमर, वो उसको चिढ़ा रहा था कि तुम्हारा दांत चूहा ले गया। और फैजा जो थी वो बहुत परेशान हो रही थी कि चूहा मेरा दांत कैसे ले गया, क्या वो मेरे मुंह के अंदर गया होगा। वो इस बात के लेके बहुत परेशान हो रही थी। और फिर वो उनका जो फैजा का जो भाई था वो भी उसको ये भी उसको कह के चिढ़ा रहा था, क्या कि तुम तो बिल्कुल दर्जन खाना लग रही हो। क्या लग रही हो? दर्जन खाना, क्योंकि उनका भी एक आगे का दांत टूटा हुआ था। दर्जन कौन होता है? दर्जन काला कौन थी? जो कपड़े सिलाई करती है, दर्जी होता है ना कपड़े सीने वाला, तो उसका जो मोनस होगा वो दर्जन होगा, दर्जन काला से मिला है, ठीक है। तो फिर जो उनकी फैजा की जो अम्मी थी वो उन्हें समझाती है कि बेटा ये तो दूध के दांत होते हैं, कोई चूहा नहीं लेके गया, ये तो मैंने बिस्तर पर गिरा हुआ देखा तो उठाकर छत पर फेंक दिया। और फैजा को समझाया कि दांत को साफ करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अब हम इसका काम करते हैं, सबसे पहले इसके सवाल जवाब है, ठीक है। आप इसको जो मैं बोर्ड पर लिखूंगी आप इसको अपनी ऑन वर्डिंग में भी चेंज कर सकते हैं। अगर सेम ऐसे लिखना है तो ऐसे लिख लें, थोड़ा अगर चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हैं। आपकी बुक में लिखा है फैजा का दांत कहाँ चला गया था। फैजा का दांत कहाँ चला गया था? आप दांत के कोई पांव थोड़ी होते हैं जो वो चलते कि नहीं चला जाएगा, जरी मतलब वो टूट गया था। फैजा का दांत कहाँ चला गया था? फैजा का दांत टूट गया था, टूट कर बिस्तर पर गिरा हुआ था और अम्मी ने उठाकर छत पर फेंक दिया था, यही हुआ था ना उसके दांत के साथ। अगला सवाल है, Thank you.
ये तो बहुत आसान है। जीशान खाली फाइजर को किससे मिला रहे थे? जीशान खाली फाइजर को किससे मिला रहे थे? किससे? नजर वाला से। ठीक है, लेकिन लिखेंगे क्या? दर्शन खाला से मिला रहे थे। इसका और भी आगे पार्ट और क्यों? दर्शन पाला का कान क्यों टूटा हुआ था? क्या दर्शन पाला का कान टूट गया था? दर्शन पाला तो इतनी बड़ी होंगी, ये तो छोटे जो छोटे से बच्चे होते हैं उनके होते हैं टूटते दांत, लेकिन दर्शन पाला का क्यों टूटा हुआ था? वो इसलिए कि या तो वो बहुत बूढ़ी होंगी, बूढ़े भी दांत निकल जाते हैं, या फिर वो सोते में गिर गई होंगी, उनके से चोट लगी होगी तो उनका दांत टूट गया होगा। ठीक है, ये फाइजा का दांत जो था ये दूर का था, छोटे बच्चों का होता है, जब जैसे जैसे बड़े होते हैं हमारी उम्र ज्यादा होती है तो वो हमारे फिर दांत को उम्र की वजह से या कुछ चोट वगैरह कुछ ऐसे गिरने से या किसी भी वजह से वो फिर गिर जाते हैं, निकल जाते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि दर्जन माला का भी दूर का दांत था, वो तो इतनी बड़ी थी, छोटे बच्चों के होते हैं। अम्मी ने फाइजा को क्या समझाया?
अम्मी ने फायजा को क्या समझाया? अम्मी ने फायजा को समझाया कि ये भूख के दांत होते हैं, इस उम्र में टूट जाते हैं, फिर अल्लाह ताला नए दांत दे देते हैं। नए दांत दे देते हैं। किसी का बच्चे का रह गया हो तो वो बाद में वीडियो देख के देखते हैं। सवाल नंबर चार, क्या आपका कोई दांत टूटा है? अपने दांत गिनिए और उनकी तादाद लिखिए। ये आपने इसका जवाब खुद से लिखना है। जब अपने रीडिंग की थी उस समय भी इसको डिस्कस किया था, ठीक है, कि इसका जवाब पहले लिखेंगे कि आपका कोई दांत टूटा है। तो ये सब बच्चों का टूटा होता है, तो मैं आपके जितने भी इसको मिले भी टूटे होंगे, ठीक है। आपने इसका सबसे पहले लिखना है जी हाँ, हमारा सामने वाला या साइड वाला या आगे वाला या नीचे वाला या ऊपर वाला जो भी टूटा था उसकी जगह नया आ गया है या अभी ये नहीं आया, आप उसका लिखना है, ठीक है, कि ये वाला टूट गया। उसके बाद फिर आपने अपने दांत काउंट कर लिए, गिनने इधर वाले पे, इधर वाले पे, ऊपर वाले, नीचे वाले, सारे। तो फिर आपका कितने के मेरे मुंह में कितने दांत है, मेरे मुंह में कितने दांत, ठीक है। दांतों की सफाई के लिए कौन सी दो बातें जरूरी हैं? इसका जवाब भी आप सबको आता होगा, उस दिन भी हमने डिस्कस किया था और सारे बच्चे इस पर अमल भी करते हैं। ये तो बहुत ही आसान है, मुझे लग रहा है आप लोग खुद से लिखेंगे खुद। चलिए मैं लिख देती हूँ।
दिन में दो बार दांत साफ करें, नंबर एक। और नंबर दो क्या होगा? मीठी चीजें कम खाने। अब ये मीठी चीजें कौन सी है जिनसे मना किया जा रहा है? दिन में दो बार दांत साफ करें और मीठी चीजें कम खाएं। ये मीठी चीजें चॉकलेट और जो जो हम कैंडीज खाते हैं, सॉफ्ट कैंडीज और जो कैंडीज हम खाते हैं, ये उनसे मना किया जा रहा है। लेकिन जो घर में अम्मी चीजें बनाती है, जैसे कस्टर्ड, जैसे आइसक्रीम, जैसे खीर, ये जरूर खानी होती है। इनको नहीं कहना चाहिए कि वो मीठी चीजें नहीं खानी हमने, वो जरूर खानी होती है जो जो चीजें अम्मी बनाती है। अगर उनका हम कहते चल रहा है भी नाराज होंगे कि नहीं खाई और मामा भी नाराज, अम्मी भी नाराज होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो मना किया जा रहा है वो कौन सी चीजें है? चॉकलेट और बाजार की कैंडीज, ये नहीं खानी चाहिए, ठीक है, इससे दांत खराब होते हैं। और मैंने आपको बताया कि घर की चीजें खाने से दांत खराब नहीं होते, ठीक है, वो आपको जरूर खानी चाहिए। अब इस सवाल का जवाब मैंने क्या कहा आपको कि आपने खुद से लिखना है, ऐसा ना हो कि आप ये लिखते जवाब खुद लिखे, बाद में जब कॉपी में चेक करो तो उसमें फिर मैं खुद से लिख रही हूँ। आपने खुद लिखना है, मैंने खुद नहीं, ठीक है, आप लोगों ने खुद से लिखना है। इसके बाद कार्बनी उर्दू का काम है 92 और 93, ठीक है, इस पेज पर कार्बनी उर्दू में से पेज खोल लें, आप अभी लिख लें या बाद में वीडियो देखते लिखिए तो उसमें से लिखिए। बुक पर ही करना है, ठीक है, ये काम आपने बुक पर, ये आपको स्पेस मिलेंगे, ये काम आपने इस पर करना है। यहाँ पर आप डेट एंड डे लिखिए, आज की डेट लिखिए और यहाँ पर ये काम करना है, ठीक है, कॉपी में नहीं करना है, ये बुक पर सवाल जवाब सिर्फ जो है वो कॉपी पर। यहाँ पर हमारे पास क्या है? मुजक्कर मोनस लिखा हुआ है। मुजक्कर से मोनस बनाने का तरीका ये है कि मुजक्कर अल्फाज की मोनस बनाने के लिए मुजक्कर लफ्ज का आखिरी छोटी ए हटाकर, छोटी ए जो भी मुजक्कर होगा उसके एंड में छोटी ए होगी, वो हटाकर तो नून लगा देते हैं। बहुत आसान काम है ये, तो आपने खुद ही अभी कर लेना है, किसी की हेल्प भी नहीं होगी, आपको जरूरत नहीं पड़ी। मैं एक दो लिखूंगी तो आपने आगे से लिखे जाना है, लिखे जाना है, लिखे जाना है, बहुत आसान है। सबसे पहला था धोबी, धोबी छोटी के हटाकर हमने क्या लगाया? धोबन, बे छोटी ये हटाकर ऐसे था ना, तो हमने इसका ये हटाकर बे रहने दिया, ये हटाकर हमने उसका ये बना दिया, ठीक है, छोटी ये हटाकर नून लगा दिया। उसके बाद है दर्जी, ये तो बहुत ही आसान है, अभी हमने पढ़ा भी है दर्जन खाला। इसके बाद नाई, पहले लिख लेते हैं, उसके बाद चपरासी,
उसके बाद ईसाई सिंधी बलोची आप देख नहीं सकते हैं ये छोटी ये छोटी ये छोटी ये आ रहे हैं इसके बाद पंजाबी यहूदी उसके बाद जो भी एंड वाला दिखाई दे रहा है आप लोगों को जो एंड में मैंने लास्ट में वर्ड लिखा है जो भी अगर नहीं आएगा तो कोई बात नहीं आपको समझ तो आ गई मैं छोटी के ताकि नोट भी लगा दूं ठीक है आप ये जी नाई नाइन चपरासी चपरासन ईसाई ईसाई सिंधी सिंधन बलोची बलोचन सबकी छुट्टी हटाकर नुम लगा देंगे ये तीन पहले जो खुद से लिखेंगे पहले जो लिख सकते हैं वो लिख ले इधर भी मैं लिख देती हूँ ठीक है जिनको मुश्किल हो ध्यान से देख ले मुश्किल की कोई बात तो नहीं है वैसे आप कितने अच्छे बच्चे हैं इतना काम खुद ही कर देते हैं यहूदी यहूदन जोगी जोगन जोगी पता कौन होता है सांप पकड़ने वाला जो सांप पकड़ता है बीन बचाता है और सांप पकड़ता है उसको कहते हैं जोगी ये काम भी आपने इसी पर करना है यहाँ पर ये बुक पर ठीक है पहले हमने ये 92 का काम किया और यहाँ पर 93 का पेज नंबर 93 क्या लिखते हैं इसका मैं अपने की जगह क्या लिखा अपनी नाना की जगह नानी की नवासी हूँ अब आप देख रहे कि सिर्फ नाना और नवासा चेंज नहीं हुआ इसमें अपना की जगह अपनी आ गया और पार की जगह की
ही आ गया। उसके बाद अब इसकी जगह क्या होगा, मेरे ताया और मामू आए हैं, मेरे ताया और मामू आए हैं, इसका क्या चेंज करेंगे, मेरी मेरे को हटा दो, बड़ी को हटाकर छोटी के मेरी ताई और मेरी ताई और मनी आई है, ठीक है, इसका मतलब सी हो जाएगा। इसके बाद है सेंटेंस नंबर थ्री है, बंदर और शेर चुप चुप बैठे थे, बंदर और शेर चुप चुप बैठे थे। बंदर और शेर चुप चुप बैठे थे, पता नहीं क्या होगा बेचारे को, बंदर का हो जाएगा बंदरिया, शेर का शेरनी, बंदरिया और शेरनी चुप चुप बैठी थी, पता नहीं उनकी लड़ाई हुई होगी, नाराज हो गए होंगे इसलिए चुप चुप बैठे थे, बातें नहीं कर रहे थे या फिर बिजी हो गए, कुछ तो होगा ना। अच्छा अब हमने बैठे की जगह बैठी, ठीक है, और थे की जगह दो लोग हैं ना, दो है बंदरिया और शेरनी, तो हमने लिखा थी, थी नहीं लिखेंगे, वो एक के लिए होता है, जहां पर दो लोग या दो से ज्यादा चीजें आ जाए या कोई दो को या चीजें हो तो फिर हम उसको जमा में बदलते हैं, थी नून गुना के साथ, थी थी की जगह थी। इसके बाद नंबर पांच है, सॉरी नंबर चार, उपाचान अपने बेटे को साथ लाए थे, उपाचान का क्या जगह उनकी जान, अपनी बेटी अपने जगह अपनी, पूरे सेंटेंस में हर वर्ड को चेंज करना पड़ता है, सिर्फ दो को नहीं बदल देना, ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ठीक है। इसके बाद जब आप लोग स्कूल आएंगे मैं आपको प्रैक्टिस के लिए एक वर्कशीट भी दूंगी, बड़ी अच्छी मैंने बड़ी मजे की वर्कशीट बनाई है, जितना भी अभी तक हमने काम किया है उससे सबसे रिलेटेड वर्कशीट मेरे पास पड़ी हुई है, तो वो फिर हम काम करेंगे, आपको बड़ा अच्छा लगेगा।
जान अपनी बेटी को साथ लाई थी। आप यहाँ पर तो दो थे, दो लोग थे तो हमने थी लिखा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर खुद की जान है तो वो हमसे बड़ी है, तो हमें हम उनके रिस्पेक्ट के लिए यहाँ पर लिखेंगे थी। थी तो है तो एक ही खुद की जान, ठीक है, लेकिन क्योंकि वो हमसे बड़ी है, ये अपने वन क्लास में भी पढ़ा था, ठीक है। किसी को याद होगा, माजी बाबा बाग में आए, आया नहीं लिखा था, आए लिखा था, ठीक है। इसी तरह आपको खुद की जान है क्योंकि ये हमसे बड़ी है, इसलिए इनकी रिस्पेक्ट के लिए हमने लिखा थी, लाई थी। है तो एक लेकिन हमसे बड़ी है, इसलिए रिस्पेक्ट के लिए हमने लिखा थी। याद रहेगा, मैं पूछूंगी बाद में आपसे, ठीक है। एक लास्ट सेंटेंस रह गया है, बादशाह शहजादे का बाग है। बादशाह शहजादे का बाग है। बादशाह शहजादे का बाग है, बादशाह का क्या होगा, मलका, और शहजादे शहजादे का शहजादी, और बाग माँ, ठीक है। हमने हर लफ्ज का हमने बोलना सीख, शहजादी की माँ है, ठीक है। यहाँ पर अब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, अब आपने इसको बड़ी अच्छी हैंडराइटिंग में लिखेगा, और एक लास्ट लास्ट में फर्स्ट मैंने आपको रीडिंग के साथ साथ सर्कल करवाई थी, ठीक है। आपने सबसे पहले सवाल जवाब को अभी मैं लिखनी है, उसके बाद इमला, ठीक है, और ये आपका ये आपने किताब में काम करना है। मंडे को रिपी को भी रीडर की आपने पहले से खोल कर बैठना है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। रीडिंग जिस दिन होती है फिर आप लोग खुद को कभी म्यूट कर लेते हैं, कभी कुछ इस तरह से मत किया करें।